हेलो एवरीवन, न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वोल्वो के बारे में समझाना जा रहा हूँ, वोल्वो 440 चलाने कैसे सीखे, ऑपरेटर चलाने से पहले क्या क्या करता है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं इसके बारे में बतलाता हूँ। ये गाड़ी दोस्तों टोटल 12 चक्का का है। ड्राइवर चपने से पहले आपको चक्का को चेक कर लेता है, चारों तरफ घूम के कहीं फटा हुआ नहीं है, लीकेज नहीं है। पट्टा भी चेक करता है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। उसके बाद केबिन में जाता है दोस्तों। ये डीजल टैंक है, इसको भी चेक करता है दोस्तों। ये जो दोस्तों देख रहे हैं हाइड्रोलिक टैंक है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों आगे का लाइट है, जो स्त्री बल्ब है, इसमें आगे में 4 लाइट होता है, ये भी चेक करता है ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, ये आगे का शीशा है दोस्तों, ड्राइवर देखता है कि रेम में कहीं आगे नहीं चप रहा है। ये दोस्तों जो देख रहे हैं ये है डीजल फिल्टर, जो टंकी से होकर इसमें आता है, इंजन जाता है, फिल्टर को सफा रखता है, कचरा को जमा करता है। ये जो दोस्तों देख रहे हैं फिल्टर है, फिल्टर अगर जाम होता है गाड़ी नहीं टांगती है, इसको साफ किया जाता है। ये जो दोस्तों देख रहे हैं इसे गाड़ी का RPM अगर नहीं बढ़ता है तो इसको चेक किया जाता है, RPM क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका केबिन के नीचे में इंजन है दोस्तों। ये जो दोस्तों देख रहे हैं हाइड्रोलिक टैंक है, जो ढाला को ऊपर उठाने में काम देती है। अंदर केबिन में जाऊँ मैं और बताऊँगा। ये दोस्तों 2 बैटरी है 12 वोल्ट का, जो इसको सीरीज करके 24 वोल्ट किया जाता है, जो सेल्फ में जाती है, सेल्फ से इंजन को स्टार्ट किया जाता है। ये लुकेज जो दिया हुआ है, जो पीछे देखा जाता है कहाँ जा रहा नहीं जा रहा दोस्तों। ये केबिन का देखिए पूरा सीन है। केबिन के अंदर मैं जाऊंगा दोस्तों, मैं बतलाता हूँ कैसे क्या होता है। केबिन के अंदर मैं जा रहा हूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार का केबिन का सीन है। ये देखिए दोस्तों केबिन है, केबिन देख पा रहे हैं, मैं बतलाता हूँ उसके बारे में। ये जो गियर देख रहे हैं दोस्तों, टोटल आपका 18 गियर का है। ये दोस्तों जो देख रहे हैं ये PTU है, जो ढाला ऊपर और नीचे किया जाता है। ये जो दिया हुआ है चार्ज, मोबाइल चार्ज करिए या हीटिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों कंप्रेसर से आपका ब्लोवर में यहाँ पर आता है, और जो गैस चार्ज करने के बाद इसमें ब्लोवर से ठंडा हवा मिलता है, जो रात में गर्मी के दिन में ड्राइवर लोग को पूरा राहत होती है दोस्तों। आगे से कुछ दोस्तों इस प्रकार से दिखता है केबिन में बैठने पर ड्राइवर लोग को। ये जो देख रहे हैं दोस्तों स्टेरिंग है, पहले गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसको हवा बनाया जाता है, उसके बाद स्टेरिंग पूरा फुल हो जाता है दोस्तों। ये जो दोस्तों देख रहे हैं ये बैटरी का है, बैटरी चार्ज है कि नहीं फिल्टर द्वारा। ये इंजन का टेम्परेचर का सिग्नल है दोस्तों, ये आपका मीटर है कितना स्पीड चलती है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों दोनों हब, ये दोस्तों लाइट का स्विच है, ये लाइट अपर डाउन छोड़ा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए टोटल फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका हो गया ब्लोवर का, मतलब गर्म ठंडा दिन में गर्म हवा देती है। ये हो गया AC का स्विच हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्विच दिया हुआ है आपका केबिन के लिए, ये गाड़ी अगर नहीं टांगती है ऊपर ढाल में तो इसके लिए ये स्विच काम करता है दोस्तों, उसको देंगे तो ठीक होगा आगे टानेगा लोड लेने के बाद। ये जो देख रहे हैं दोस्तों हवा होने के बाद इसको खोला जाता है दोस्तों। ये जो स्विच देख रहे हैं दोस्तों डाला लाइट का स्विच है, ये देखिए चाबी है दोस्तों। ये जो दोस्तों देख रहे हैं लाइट अपर डिप के लिए है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों साइड टिपर के लिए दिया हुआ है, गाड़ी किधर साइड में लेना है।